का जो वीडियो है वो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज आरोग्य सेतु ऐप एंड इट हैज बीन इन न्यूज सिंस सो मेनी डेज. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऐप इज. आरोग्य सेतु ऐप हैज बीन क्रिएटेड एज अ कोविड 19 ट्रैकर. एक कोविड जो पैंडेमिक अभी चल रहा है उसका ये ट्रैकर है. एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किसी भी तरीके से जो लोग को भी कोविड हुआ है या कोविड 19 है उनको ट्रैक किया जाए. एट द सेम टाइम द पोटेंशियल पीपल जिनको हो सकता है उनको भी हम लोग ट्रैक करेंगे. सो द आइडिया इज टू यू नो टू कीप यू अलर्ट एंड कीप यू सेफ. इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल प्ले और द ऐप स्टोर. तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं. ये कुछ इस तरह का जो है इसका यू नो आपका जो फ्रंट पेज ऐसा दिखाई देगा. नाउ लेट्स गो इन द हिस्ट्री ऑफ दिस. नाउ दिस ऐप हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया अलॉन्ग विद द डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पे. सो दैट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन कैन बी इंश्योर्ड. तो ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप है जिसको विच यूजेस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड दे इंटरैक्ट अमंग ईच अदर. ये सारे टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं. सबसे पहला है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. वी ऑलरेडी नो व्हाट ब्लूटूथ इज. आप इजिली जो है वॉइसलेस आप कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन आप कर सकते हैं. सेकेंड इज एल्गोरिदम. मीन्स एक तरह का स्ट्रक्चर या लॉजिकल जो है फ्लो होगा जो उसको यूज करेगा. एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है वेयर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें द ऐप कैन हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस जो अपने लेवल पर एक कोडेड तरीके से वो आइडेंटिफाई करेगा कि कंसर्न कहाँ पे है. द ऐप हैज बीन डिजाइन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड make its informal information accessible to common people. So objective kya hai ki kaise bhi hum control kare. Basically it will surveillance and control tracking app hai where agar kuch bhi hota hai to information bhi aapko available hogi. This app will also help to finding out corona positive people present nearby. To agar koi aap maan lijiye aapke mobile mein app hai aur is mobile mein aapne activate kar rakha hai. If somebody koi bhi covid positive patient aas paas hai ya uski koi history hai so that will be No, that will be told to you. Basically, होता क्या है कि आपका ब्लूटूथ और उसका ब्लूटूथ ऑन रहेगा. सिंस दैट कोविड 19 पेशेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है एंड दैट पर्सन हिज नंबर विल बी रजिस्टर्ड एज अ कोविड 19 पर्सन. एंड आपके जो है रेंज में जब आएगा तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि भाई दिस इज नॉट द सेफ जोन और यू माइट हैव अ कोविड पेशेंट नियर बाई. सो आपको हेल्प करेगा. आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक आपको कॉफ है, फीवर है, ट्रबल ब्रीदिंग तो नहीं है. सो आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा वेयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन दैट आपको बताया कि आप ग्रीन जोन में है यानी आप सेफ जोन में है, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी हिस्ट्री भी है. मेनी कंट्रीज लाइक You know, South Korea have been using the technology. China has been using these technology. Naturally, उनके अपने अपने तरीके होंगे. So this technology is very much is in use today. The apps tell to keep users mobile Bluetooth and location on. तो आपको अपना location जो आप map में use करते हैं Bluetooth आपको on रखना होगा. Whenever user visits the crowded places, जैसे आप crowded place पे जाते हैं, the apps keep sending messages from nearby mobile phones. तो मान लीजिए आप क्राउड प्लेस में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं या खड़े हैं या मूव कर रहे हैं एंड एवरीबडी हैव द ऐप. उनके सबके पास ऐप है और सबके ब्लूटूथ ऑन है. सो दीज यू नो दिस विल अलाउ कम्युनिकेशन अमंग नियर बाई फोन. तो आपस में कम्युनिकेशन जो है होगा अमंग ब्लूटूथ. एंड मान लीजिए आप ग्रीन जोन में है, कोई और ग्रीन जोन में नहीं होगा या वो कोविड पेशेंट होगा या कोविड की उसकी हिस्ट्री है. सो यू नो यू विल बी आपस में कम्युनिकेशन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. When the user stands near someone who is also normal, it shows green zone. But if that person becomes corona positive for 10 days, the app will alert you immediately. मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल है, वो भी ग्रीन जोन में, आप भी ग्रीन जोन में है. But after 10 days, now remember, आपके बीच कम्युनिकेशन हुआ है, that information is already you know stored. 10 दिन बाद वो पर्सन जिसको जो भी आपके नजदीक कभी आया था, maybe 10 days ago, उसको अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, so जितने लोग कम्युनिकेट हुए हैं उसके ब्लूटूथ से, एवरीबॉडी विल बी नोटिफाइड कि एक्स एंड एक्स पर्सन कोरोना पॉजिटिव हुआ है, विच मींस आप सेफ नहीं हो. एंड हियर इन दिस सिचुएशन यू कैन गेट योरसेल्फ टेस्टेड. आपने आपको टेस्ट जाके करा लीजिए एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक आप आजकल आप देख रहे होगे देयर आर टू काइंड ऑफ केसेस. एक तो सिम्टोमैटिक केसेस है. तो सिम्टोमैटिक केसेस में क्या है, सिम्टम्स आ रहे हैं. दूसरा एसिम्टोमैटिक केसेस है. तो एसिम्टोमैटिक केसेस में क्या होता है, सिम्टम नहीं आते. दैट मींस यू हैव कोरोना पॉजिटिव बट यू आर कोरोना पॉजिटिव बट आपको पता भी नहीं है एंड आप अनोइंगली आप जो है शायद वायरस इन्फेक्शन फैला रहे हो.
तो नाउ न्यू केसेस हैव कम. तो मान लीजिए एक पर्सन एक एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी नहीं पता है ना उसको भी पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, बट वो किसी के नजदीक जाता है और उसको कोरोना हो जाता है बाद में 10 दिन बाद. नाउ दैट दिस मींस आप उसके नजदीक गए हो तो गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यू आप भी उसके नजदीक रहे होगे. तो मे बी इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट आपको नोटिफिक आपको जो है मैसेज भेजेगी कि भाई आप उसके नजदीक थे. ये अलग बात है कि उसको कोरोना आपसे ही हुआ है, बट दैट वे यू विल बी कनो कि भाई मैं भी शायद एक डेंजर जोन में पहुंच गया हूँ. सो माई ऑब्जेक्टिव इज कि मैं अपने आपको टेस्ट कराऊं या फिर आई शुड सेल्फ क्वारंटाइन माई सेल्फ, मैं अपने आपको क्वारंटाइन फर्दर कर लूँ. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऐप कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज बाई द गवर्नमेंट एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव. तो दिस एप्स ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द हॉटस्पॉट सो दैट यूजर कैन चेंज द रूट. आपको नियर बाई कहीं कोई हॉटस्पॉट है जहां पे हो रहा है वो भी बताते हैं. सी कमिंग मंथ्स में या कमिंग डेज में एक सर्वेलेंस का जो है अप्रोच स्टार्ट होगा. एवरीबडी विल बी यू नो विल बी ट्रैक्ड बाई गवर्नमेंट एंड दैट इज वेयर दिस ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां तक हेल्थ की बात है सिक्योरिटी कंसर्न भी है, बट हेल्थ विल बिकम प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटी विल बी सेकेंडरी. नाउ यू कैन गो स्टेप बाई स्टेप. आप प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस तरह से कुछ आएगा. यू विल हैव स्टेप, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ. आप यू विल रजिस्टर कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप यू नो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. बहुत सिंपल है. देन देर आर सम सर्टेन यू नो टर्म्स एंड सिक्योरिटी परमिशन आप करोगे. यू विल गिव द आई अग्री, यू विल अलाउ द ऐप टू यू नो यूज योर डेटा इन्फॉर्मेशन एंड यू विल रजिस्टर विद योर मोबाइल नंबर. सो इट्स अ वेरी सिंपल ऐप विद वेरी बेसिक यू नो प्रोसेस. आप इजिली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. उसके बाद देर इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऐप विल आस्क यू टेक. अब अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करिए. दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, एक पूरा क्वेश्चनार होगा. इस क्वेश्चनार में आपसे एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे और उसको अपना आपको अपने हेल्थ स्टेटस के हिसाब से आप बताओगे. फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है, कफ है, कुछ भी नहीं है तो आप बताओगे. एंड वंस यू द एंटायर क्वेश्चनार हैज बीन कंप्लीटेड, जब क्वेश्चनार कंप्लीट हो जाएगा तो ऐप आपको आपका हेल्थ स्टेटस जो है प्रोवाइड करेगा. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चनार द ऐप विल टेल यू वो द हेल्थ स्टेटस कि आप सेफ जोन में हो, आपका जो है कोविड होने का चांस बहुत कम है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द COVID-19 यू नो ट्रैकिंग प्रोसेस. ठीक है, इफ यू वॉन्ट कि आपको स्टेट वाइज कोविड अपडेट की डेटा चाहिए तो देर इज अ टैब जहां पे यू नो रेगुलरली जो है रियल टाइम में COVID-19 के अपडेट्स मिलते रहेंगे स्टेट वाइज नियर वाइज. इनफैक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको पता भी है. मे बी देर इज अ प्रोविजन ऑफ ई पास फ्यूचर में आने वाला है, वी डोंट नो. बिकॉज इन फ्यूचर गवर्नमेंट इकॉनमी हमेशा क्लोज नहीं कर सकती है, याद रखिए. और गवर्नमेंट अगर इकॉनमी हमेशा क्लोज नहीं कर सकती है तो टाइम विल कम कि यू नो रेगुलेटेड अप्रोच में मूवमेंट या ट्रैवलिंग अलाउड होगा. सो दिस ऐप कैन बिकम अ गुड सेवियर फॉर ईच वन ऑफ अस. सबके लिए ऐप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस वक्त. ओके, वन ऑफ द ऐप हैज 50 मिलियन यूजर्स जो है हो चुके हैं इन 13 डेज. एंड दिस इज वन ऑफ द ग्लोबली सबसे फास्टेस्ट है. दिस इज अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है. एंड लेट्स यूज दिस ऐप सो दैट we can fight this COVID-19 together. It's a global pandemic. It's a pandemic जो हमारी life, हमारे routine, हमारे process, हमारे तरीकों को change कर देगा. And we need to adapt as per this virus so that we can defeat this virus effectively. एक security concerns की बात है. बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस तरह से हम लोग surveillance करेंगे एक individual पे, because app सिर्फ ये नहीं, app आपका information share कर रहा है, so आपका data government के पास चला जाएगा. So all these concerns have been there. And right to privacy is a fundamental right. आपकी जो आपका जो फंडामेंटल आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका एक मौलिक अधिकार है जिसमें गवर्नमेंट इंट्रूड नहीं कर सकती है. बट हियर गवर्नमेंट सेड कि नो द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू सी कि आप कोरोना जो पैंडेमिक है उसके लिए हम आपकी ट्रैकिंग करेंगे. सो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया है गवर्नमेंट ने, इट हैज मेड इट यूजर फ्रेंडली. एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट योर इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी सेव बाय योर नेम. आपके नाम से इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगा, रादर हर मोबाइल फोन का एक डिजिटल आईडी होगा एंड बेस्ड ऑन दैट डिजिटल आईडी आपका इन्फॉर्मेशन सेव होगा. एंड द डेटा विल बी सिक्योर्ड गवर्नमेंट के डेटाबेस पे, वो सारा जो है सेव होगा. ओनली DIDs विल बी शेयर, यानी जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा वो मैप्ड होगा विद डिजिटल आईडी. सो वंस द इंफॉर्मेशन अगर शेयर भी होगा तो DIDs शेयर होगा, यानी डिजिटल आईडी शेयर होगा और उसके बेस पर जो है चीजें होंगी. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ऑन ऐप विल बी सिक्योरली स्टोर्ड ऑन अ मोबाइल डिवाइस of the other registered user and will not be accessible by any such. अब जैसे आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में भी जा रहा है और उसका इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ रहा है. सो दैट पर्सन कैन नॉट एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है. एंड दिस इज गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट कि ये जो रिवाइज पॉलिसी है इट विल नॉट बी यूज बाई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई टेलीकॉम कंपनी है, एडवर्टीजमेंट कंपनी है, कोई फर्म है, उसको यू नो उसके लिए ये डेटा यूज नहीं हो सकता. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस. एक चीज और है इसमें, जो भी डेटा कलेक्ट होगा इट विल यू नो विल नॉट अपलोड टू द सर्वर
अगर वो सर्वर में अपलोड नहीं हुआ, जो ग्रीन डेटा है इफ योर ग्रीन जोन, आपका डेटा सेव नहीं होगा, एंड इन 30 डेज वो जो है इन्फॉर्मेशन जो है, अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ आप तो इन्फॉर्मेशन सेव ही नहीं होगा सर्वर पे, एंड इफ यू आर टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर 60 डेज ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप सर्वर से हट जाएगा. सो दैट इज यू नो दैट इज अ वेरी गुड कंसर्न. गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड, कुछ लोगों के कंसर्न थे बट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड. द न्यू एरा ऑफ सिक्योरिटी और सर्वेलेंस का आएगा. एक सर्वेलेंस का पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी सर्वेलेंस का यू नो सिचुएशन बढ़ेगा, बट रिमेंबर हेल्थ विल ओवरराइड सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है. दैट सो आई विल अर्ज ईच वन ऑफ यू टू डाउनलोड दिस ऐप एंड यूज दिस ऐप व्हेन यू आर मूविंग आउटसाइड. आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस ऐप का अपना लोकेशन एंड ब्लूटूथ शुड ऑलवेज बी ऑन सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट योर सिक्योरिटी एंड बाई सम रीजन इफ यू आर द इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन यू शुड ऑल्सो यू नो नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट रजिस्टर्ड ऑन द आरोग्य सेतु ऐप. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. Thank you.